नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस चैनल के ऊपर इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैबुलरी को रिलेट कराने की क्लासेस आपकी चलती हुई आ रही हैं। उसी सीरीज में हम अपने आगे के 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैसे आप इजीली याद कर सकते हैं इस तरीके से कि आप दोबारा उसको ना भूलें, उसका तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला वन वर्ड देखते हैं क्या है। An order that certain activities, movements are prohibited, यानी कि एक ऐसा आदेश जिसमें ये लिखा है कि कुछ निश्चित कार्यों को रोका गया है किसी भी शहर में, किसी भी जिले में या किसी भी स्टेट में। तो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जब आपके आस पड़ोस में या हमारे इंडिया के किसी भी शहर में या दुनिया के किसी भी शहर में जब दंगा भड़कता है तो वहाँ पे क्या लगा दिया जाता है? कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू में क्या होता है? आप पे कुछ सर्टेन एक्शंस को बैन कर दिया जाता है कि आप एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं या आप दंगा भड़काने वाले पोस्ट शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए आजकल टाइम पे जहाँ पे भी दंगा भड़कता है सबसे पहले क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन रोक दिया जाता है। तो ऐसे एक्शंस को या ऐसे ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? कर्फ्यू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब आप सोचो ऐसी कोई चीज जो अगर आपके शहर में या आपके जहाँ पे आप बैठे हुए हैं किसी जगह पे, वहां पे आ जाए तो आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे या ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। तो बेटा ऐसी चीज बहुत सारी होती है, लेकिन क्योंकि हमको याद करना है तो हम क्या याद करेंगे? डायनासोर। आप सोचो डायनासोर हमारे विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अगर आपके शहर में कहीं पर भी डायनासोर दिख जाएगा पूरी दुनिया का ध्यान उसके ऊपर चला जाएगा। तो डायनासोर में बस खाली डी हटा देना है, बाकी सेम रहेगा। क्या? साइनोसोर। ठीक, डायनासोर की जगह पे साइनोसोर, बस डी की जगह पे सी लगा देना। अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, ऐसी भाषा जो अब नहीं बोली जाती है। कोई ऐसा इंसान है जो पहले आप उसे जानते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हो जाता है? वो डेड हो जाता है। तो वैसे ही बेटा हमारी लैंग्वेज भी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर सेंटीमेंटल स्पीचेस, ठीक, ऐसा नेता जो भड़काऊ भाषण देता है वो क्या करता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी बात होगी जिससे आदमी भड़क जाए तो नेता लोग क्या करते हैं? खुसफुसा के ही तो बोलते हैं, यानी बहुत धीमे बोलते हैं। तो वही हो जाएगा क्या? डिमेगोग। ठीक, यानी कि कोई ऐसा गाना है या कोई ऐसी बात है जिसको बहुत धीमे बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा तेज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सेंटीमेंटल स्पीच है, यानी लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली स्पीच है। गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, आपने बचपन से पढ़ रखा है। ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए होते हैं और लोगों की ही होती है, तो ऐसी सरकार को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। इसको तो रिलेट कराने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस, यानी कि इंसान के त्वचा और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन। अब देखिए स्टडी है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा लास्ट में? लॉजी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले वाला वर्ड क्या होगा? अच्छा आपने देखा होगा गर्मी में आप क्या लगाते हैं? पाउडर लगाते हैं। कौन सा? डर्मिकूल। कहाँ लगाते हैं? अपनी स्किन पे लगाते हैं। तो यानी कि स्किन वाली जो साइंस होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? डर्मेटो लॉजी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। लॉस ऑफ कंप्लीट होप, पूरी तरीके से उम्मीद खत्म हो चुकी है। अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान आपका मान लो पड़ोसी या कोई जानने वाला आईसीयू में एडमिट है, तो जब तक वो रिस्पॉन्ड करेगा तब तक तो आपको उम्मीद बनी रहेगी, और जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करना बंद हो जाएगा आपकी उम्मीद टूट जाएगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्ड, यानी कि उम्मीद बची हुई है, और अगर डिस्पॉन्ड कर देता है यानी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उम्मीद छूट गई। तो ऐसे ही लॉस ऑफ कंप्लीट होप हमारा क्या हो जाएगा? डिस्पोंडेंसी। रिस्पॉन्ड का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्पोंड। लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, आपको जीवन का जो बेसिक नेसेसिटीज जरूरी चीजें हैं वो नहीं है आपके पास। जैसे अगर आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो इंसान आपसे क्या बोलेगा? किस इंस्टीट्यूशन में पढ़े हो? यानी कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं तो आपके पास बेसिक नेसेसिटीज होंगी, और अगर आप इंस्टीट्यूशन की बजाय डेस्टिट्यूशन में पढ़े, यानी कि इंस्टीट्यूशन आपका पॉजिटिव चीज हो गई, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? डेस्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे यहां पर हुआ था, रिस्पॉन्ड का क्या हो गया था?
डेस्पॉन्ड हो गया था। तो वैसे ही लैकिंग ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, यानी अगर आप इंस्टीट्यूशन की बजाय डेस्टिट्यूशन में पढ़े होंगे तो आपके पास क्या होगा, लैकिंग ऑफ बेसिक नेसेसिटीज होंगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैरीड बाय एन ऑब्सोल्यूट रूलर, एक अकेले शासक के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, जैसे कि हिटलर ने चलाई थी, गद्दाफी ने चलाई थी, क्या बोला जाता है, डिक्टेटरशिप, बहुत सुना होगा आपने, तानाशाही शासन, ठीक, और जो चलाता है उसको क्या बोला जाता है, डिक्टेटर बोला जाता है। द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस, किसी मैच का ऐसा नतीजा जिसमें कोई पार्टी नहीं जीतती है, पार्टी मतलब कोई भी साइड नहीं जीतती है, तो मैच क्या हो जाता है, जो कि अक्सर टेस्ट मैच में देखने को मिलता है, ड्रॉ, ठीक। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही परिवार के रूलर का आगे चलने वाला क्रम, उसको बुलाता है वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, इसी तरीके से वंश को क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेस्टी बोला जाता है, ठीक। वन हु विटनेसेस सीक्रेटली टू प्राइवेट, चोरी छुपे आपने किसी को कोई बात कही और किसी तीसरे इंसान ने वो बात सुन ली। अच्छा एक बात बताइए, सबसे धीरे से क्या होगा, कोई ड्रॉप गिर सकता है, बोला था ना पिन ड्रॉप साइलेंस, क्यों पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है, इतनी ज्यादा शांति कर दो कि अगर बूंद भी गिरे तो आपको आवाज आए, ठीक। तो अब आपको और कोई चीज सीक्रेटली बतानी है तो आप इतने ही प्राइवेट स्पेस में ही तो बताएंगे कि जहां पे कोई ना सुन सके, यानी एकदम शांति हो, और अगर किसी ने सुन लिया है तो उसने क्या किया है, आपकी ड्रॉप की हुई बात सुन ली है, तो और कहां पे सुन ली, अपने कानों से सुनी है, तो यहां पे हो जाएगा ईव्स ड्रॉपर, यानी कि ईव्स आपका लगभग मिलता जुलता हो जाएगा ईयर से, और ड्रॉपर का मतलब जो बात उसने ड्रॉप करी है प्राइवेट प्लेस में आपने वो विटनेस कर ली है, यानी कि आपने अपने कानों में उसकी बात को ड्रॉप करा लिया है, ठीक है। ये आपके 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उम्मीद करता हूँ आपके 12 के 12 जो हैं वो आपको आसानी से बहुत इजी वे में रिलेट हो गए होंगे, और इसी तरीके की क्लासेस आपके चैनल पर चलती रहेंगी जिससे आपका वोकैब का सेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि हर एग्जाम में बेटा वोकैब के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपना रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।